हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। एक एक क्वेश्चंस आप ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिए धैर्य बना करके, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों और मेहनत भी लगता है। एंड सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड आपका जो बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम है 10 से 12 जून को कंडक्ट होना है, और जैसे ही चुनाव कंप्लीट होता है अदर स्टेट में भी वैकेंसीज आएंगी, और आपका जब डेली बेसिस प्रैक्टिस रहेगा, प्री प्लानिंग रहेगा, प्री प्रिपरेशन रहेगा, तभी आप एक सीट अपना ले सकते हैं। तो दोस्तों, डेली बेसिस से बने रहिए मेरे साथ। फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर सभी प्रकार की वीडियोज, थ्योरी सेशन स्टेप बाय स्टेप दिया गया है, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट है। एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, एंड इंग्लिश हिंदी दोनों में 80 वीडियोज का मैंने प्रैक्टिस कराया हुआ है, और डेली बेसिस में आपके लिए प्रैक्टिस करा ही रही हूँ। तो डेली बेसिस मेरे साथ बने रहिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, बीजिंग ओलंपिक 2008 के लिए निम्न में से कौन सी कंपनी आधिकारिक रूप से समय रक्षक थी? तो ओमेगा कंपनी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने ओलंपिक का मोटो दिया था? तो दोस्तों, आप सबको पता है किसने दिया था, हेनरी डिडान ने दिया था। उन्होंने ओलंपिक छलों के नीचे ओलंपिक मोटो जो है, ये लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसने 3 शब्द दिए, सीटियस, आर्टियस, फोर्टियस। अब एक चौथा शब्द जुड़ गया है, कम्युनिटर, यानी कि अब आदर्श वाक यानी मोटो को पढ़ा जाता है सीटियस, आर्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर, यानी फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, टुगेदर, यानी और तेज और ऊंचा और बलशाली एक साथ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस स्टेडियम का नाम बताएं जिसमें 1896 के पहले आधुनिक ओलंपिक खेल हुए थे। तो दोस्तों, एथेंस, यूनान के एथेंस में पैनाथेनिक स्टेडियम में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में खेला गया था। नेक्स्ट है, ओलंपिक के झंडे में छल्ले किसके सूचक हैं? तो दोस्तों, ओलंपिक झंडे जिसको 1913 में बैरन पीएडी कोबर्टिन ने बनाया था और सर्वप्रथम फहराया गया 1920 एंटवर्फ बेल्जियम ओलंपिक में, और उसके बीच में सफेद जो ओलंपिक झंडा होता है, सफेद रंग का, सिल्क दुधिया कलर का होता है, और उस पर 5 छल्ले आपस में इस प्रकार जुड़े रहते हैं जो कि अंग्रेजी के W अक्षर का आकार बनाते हैं। ये 5 छल्ले 5 रंगों के, नीला, पीला, काला, हरा, लाल होते हैं, जिसमें से नीला कलर यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, काला अफ्रीका महाद्वीप का, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक है। ये 5ों छल्ले 5 महाद्वीप के प्रतीक हैं, यानी ये छल्ले किसके सूचक हैं, महाद्वीपों के। और ये 5ों महाद्वीप जो है एक मैत्री भाव दुनिया की एकता को दर्शाते हैं। नेक्स्ट है, किस बीमारी को लॉक जा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, जो टिटनेस होता है एक बैक्टीरियल इंफेक्शन होता है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है टिटनेस, जिसे धनुष टंकार या लॉक जा के नाम से जाना जाता है, जो क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से फैलता है। टिटनेस जो तंत्रिका तंत्र व पेशियों को प्रभावित करता है, इसके लक्षण जैसे कि शरीर में झटका लगना, बेहोशी होना आदि हैं। यहाँ पे जो दिया गया है दोस्तों, रेबीज जो है ये वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है, जिसे अलर्क रोग भी कहा जाता है, जो रोहेप्टो वायरस के द्वारा फैलता है, जो पागल कुत्ते या पागल जानवरों के काटने से, संक्रमित स्कंधारी के काटने से फैलता है, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। रेबीज ऐसा
डिजीज है जिससे पानी से डर लगता है और ज्वर होता है, सांस लेने में परेशानी होती है। एंड कुष्ठ रोग जो लेप्रोसी होता है, जिसे कोढ़ भी कहते हैं, जिसे हैंसिस डिजीज भी बोला जाता है, जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया से फैलता है। मिजल्स यानी खसरा, यहाँ पे क्या है, मिजल्स, मिजल्स यानी खसरा, जो आरएनए पैरामिक्सू वायरस से फैलता है, जो संपूर्ण शरीर में लाल लाल दाने हो जाते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों, अच्छा स्वास्थ्य आपका बना रहे इसके लिए आपको डेली एक्सरसाइज एंड जितना आपको चाहिए रेस्ट, उतना रेस्ट भी लेना है। भोजन और आहार यानी संतुलित आहार भी होना चाहिए। स्वच्छता यानी और आदतें आपकी डेली रूटीन भी अच्छी होनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी चीज़ें जो है एक अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा प्लेन यानी कि जो तल होता है शरीर को ऊपर नीचे हिस्सों में बांटता है? तो दोस्तों, आपको पता है प्लेन एंड एक्सिस दोनों तीन तीन है। एक्सिस किसे कहते हैं? एक काल्पनिक रेखा जिसकी चारों ओर गति होती है। और प्लेन यानी तल किसे कहते हैं? वह सतह जो अक्ष यानी एक्सिस के लंबवत पाया जाता है, जिससे शरीर में गति होती है। तो दोस्तों, तल यानी प्लेन जो है तीन होते हैं, सेजिटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल या ट्रांसवर्स प्लेन। सेजिटल प्लेन को लेटरल या मीडियल प्लेन भी कहते हैं। सेजिटल प्लेन जो है शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है और गति जो है आगे पीछे होती है, जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट। दूसरा होता है फ्रंटल प्लेन, जिसे क्रोनल या एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन कहते हैं, जो शरीर को आगे पीछे भागों में बांटता है और गति जो है दाएं बाएं होती है, जैसे एबडक्शन एडक्शन मूवमेंट्स। तीसरा प्लेन होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसे ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं, जिसे सुपीरियर इन्फीरियर प्लेन भी कह दिया जाता है। यह शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटता है और गति जो है सभी रोटेशन एलिवेशन मूवमेंट्स होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शरीर को ऊपर नीचे भागों में ट्रांसवर्स प्लेन बांटता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट दोस्तों, तेज धावक यानी जो स्प्रिंट धावक होते हैं, सेट कमांड पर किस स्थिति में रहता है? तो दोस्तों, जैसे स्प्रिंट दौड़ में तीन कमांड दिया जाता है। स्प्रिंट दौड़ के अंतर्गत 100, 200, 400 मीटर दौड़ एंड 100x400 रिले रेस आता है। इसमें तीन कमांड दिया जाता है, ऑन योर मार्क्स सेट एंड गो गन फायर। ऑन योर मार्क्स में लाइन पर आते हैं और सेट में बॉडी पोजिशन बनाते हैं और गन फायर बंदूक का आवाज़ सुनते ही दौड़ना शुरू कर देते हैं, यानी सेट के 3 सेकेंड के अंदर गन फायर कर दिया जाता है। तो सेट पोजीशन में टोटल बॉडी वेट शोल्डर व हाथों पर होता है, जो बैलेंस होता है और स्थिर गतिशील होता है, और स्थिर होता है यानी कि गतिशील होता है, तुरंत उठ के दौड़ने की पोजीशन में होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अस्थिर संतुलन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जबकि मध्यम या लंबी दौड़ में दो कमांड ही होता है, ऑन योर मार्क एंड गन फायर। नेक्स्ट है, वेट स्पायरोमीटर निम्न में से किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, यह फेफड़ों की क्षमता यानी वायु धारिता वाटर कैपेसिटी को मापता है। नेक्स्ट है, 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई निम्न में से किसको विपरीत तौर पर प्रभावित करती है? तो दोस्तों, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ऑक्सीजन का लेवल जो है कम होता जाता है, दबाव बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, लंबी दौड़ की क्षमता को प्रभावित करेगा 3000 मीटर की अधिक ऊंचाई। नेक्स्ट है, खेलों में पेशी प्रभावी सहायक यानी एर्गोजेनिक एड्स निम्न में किसको मदद करते हैं? तो दोस्तों, जो एर्गोजेनिक एड्स होते हैं, वो होता क्या है? वह साधन व प्रक्रिया जिससे खिलाड़ी की क्षमता व प्रदर्शन में सुधार होता है, यानी
हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ भोजन व प्रशिक्षण के तरीके जो ऊर्जा के उत्पादन उसके प्रयोग या उनके पुनः शक्ति प्राप्ति को बढ़ाते हैं। वास्तव में एर्गोजेनिक एड्स कोई भी बाहरी पदार्थ होता है जो खेल प्रदर्शन को बढ़ाते हैं या शारीरिक व्यायाम को सरल बनाते हैं। यानी कि एर्गोजेनिक एड्स में एक खिलाड़ी की ताकत सहनशीलता आदि में सुधार होता है। यानी कि ऐसे साधन या क्रिया से है जिसके द्वारा एक खिलाड़ी की पेशियों में ताकत गति प्रतिक्रियात्मक क्षमता और सहनशीलता बढ़ती है। यानी विभिन्न प्रकार की विधियां जिससे खिलाड़ी के प्रदर्शन में सुधार हो उसे एर्गोजेनिक एड्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ताकत और सहन शक्ति को बढ़ाता है, एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। या फिर आप ऑप्शन नंबर को आपका राइट हो जाएगा, एक और दो दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा खेल आंतरिक इनाम यानी इंट्रिंसिक रिवार्ड होता है? तो दोस्तों सबसे बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान ही सबसे बड़ा आंतरिक इनाम हो सकता है। नेक्स्ट है, रिसेप्टर्स जो जोड़ों तथा मांसपेशियों में होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के चार हैं, बैलिस्टिक स्टैटिक डायनेमिक या पीएनएफ मेथड। पीएनएफ यानी प्रोप्रायो सेफ्टी न्यूरोमस्कुलर फसिलेशन, यानी कि न्यूरॉन एंड मांसपेशियों के जो ज्वाइंट्स होते हैं उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोला जाता है। और रिसेप्टर्स जो जोड़ों तथा मांसपेशियों में होते हैं उसे कहा जाता है प्रोप्रायोसेप्टर्स। क्या बोला जाता है? प्रोप्रायोसेप्टर्स। नेक्स्ट है, सीखने की गति उस सीमा से पार चली जाती है जहां से आगे सुधार होना असंभव होता है, उस स्थिति या तकनीकी को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो सीखने के वक्र के इसको हम कहते हैं दोस्तों प्लेटू। क्या कहते हैं? सीखने में पठार, ठीक है, प्लेटू। जैसे कि आपको मैंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में अच्छे से बताया हुआ है, सीखने के वक्र के प्रकार में जो तीन प्रकार के होते हैं, सीखने के वक्र के प्रकार को तीन भागों में बांटा गया है, नेगेटिव पॉजिटिव एंड कॉम्बिनेशन, यानी ऋणात्मक धनात्मक और मिश्रित वक्र। ऋणात्मक वक्र में क्या होता है, जो वक्र बनता है उत्तोदर यानी कॉनकेव बनता है, ठीक है। ऋणात्मक में क्या होता है, वक्र जो है इस प्रकार का बनता है। और धनात्मक में जो है वक्र जो है ऐसे बनता है। और मिश्रित वक्र में जो है वक्र जो है ऐसे यस आकार का बनता है। तो जो आपका ऋणात्मक दोनों कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऋणात्मक प्रगति सूचक होता है वो कॉन्वेक्स यानी उत्तल होता है। आरंभ में सीखने संबंधी जो गति होती है ऋणात्मक में तीव्र होती है और बाद में मंद होती है। यानी कि जहाँ कार्य आसान हो, पहले से कुछ अनुभव हो उसके बारे में जानते हैं, तो वहाँ पे इस प्रकार का वक्र बनता है। दूसरा होता है धनात्मक वक्र। धनात्मक वक्र में जो है जो वक्र बनता है वो अवतल बनता है, कॉनकेव बनता है। यानी कि आरंभ में सीखने की गति मंद होती है और बाद में तीव्र होती है। यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे सीखने वाले व्यक्ति को सीखने की प्रगति जो है वो बढ़ती जाती है, यानी कि इसमें अभ्यास और प्रशिक्षण के द्वारा वृद्धि होती है। तीसरा होता है मिश्रित, धनात्मक ऋणात्मक दोनों। यानी कि इसमें वक्र प्रारंभ में सीखने वाले व्यक्ति के स्वभाव, सीखे जाने वाले क्रिया और सीखने संबंधी वातावरण की प्रकृति के आधार पर घटता बढ़ता हुआ किसी भी प्रकार का शक्ल ले सकता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, सीखने में पठार किसे कहते हैं, प्लेटू इन लर्निंग, यानी कि सीखने के वक्र में पठार उस अवधि को कहा जाता है, उस अवधि को दर्शाता है जिस अवधि में सीखने में कोई प्रगति नहीं होती दिखाई देती। यानी कि कुछ समय के लिए रुका हुआ दिखाई देता है, वक्र की रेखा नीचे या ऊपर न जाने के बजाय सीधे चलने लगती है, एकदम सपाट, ठीक है। वक्र की रेखा एकदम ऐसे सीधे चलती है, सपाट, यानी कि प्रगति रुक जाती है। इसी को सीखने में पठार कहा जाता है, प्लेटिंग। नेक्स्ट है, ज्ञान परीक्षण में
एक परीक्षण मद की कसौटी का निर्णय किसके द्वारा कर सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे हम विभेद शक्ति, डिस्क्रिमिनेशन पावर एंड कठिनाई स्तर दोनों के द्वारा हम कर सकते हैं। आसन नंबर ग, क, ख दोनों राइट होगा। नेक्स्ट है AASPER, यानी कि ऑफर युवा फिटनेस परीक्षण क्या मापता है? तो दोस्तों यह मोटर क्षमता यानी कि मोटर फिटनेस को मापता है, याद रखिएगा। जहां मोटर फिटनेस दिया रहेगा वही आपका राइट आंसर होगा। यहां पे मोटर दक्षता केवल फिटनेस दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कथन से रिलेटेड है दोस्तों। अभिकथन ए है कि सामान्य से ज्यादा तनाव जो है वो प्रशिक्षण अनुकूलन ट्रेनिंग एडॉप्टेशन में जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों सही बात है, जितना आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं उसे थोड़ा अधिक आपको तनाव दिया जाएगा या भार दिया जाएगा, तभी आप अनुकूलन उसमें धीरे धीरे क्या होता है कि आपको शुरुआत में कठिनाई पड़ती है बट धीरे धीरे आप उसमें एडॉप्टेशन यानी कि अनुकूलित हो जाते हैं। तो ये जरूरी है, ओवर जो है प्रशिक्षण भार जो है सामान्य से ज्यादा भार देना जरूरी होता है। तो उसके तर्क में आर है कि शारीरिक मांसपेशी की दक्षता किसी भी विशेष क्रिया को सीखने की अनुकूलता यानी एडाप्टेशन को दर्शाता है। ये भी राइट है, यहाँ पे दोनों चीजें राइट हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ए और आर दोनों राइट हैं, ख राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी अभिकथन से है। अभिकथन ए है कि बहुत से खिलाड़ी पेशी प्रभावी सहायक लेने के आदि हो गए हैं, यानी पेशी प्रभावी साधन यानी एर्गोजेनिक एड्स को लेने में आदि हो गए हैं, राइट है। आर है कि पेशी प्रभावी सहायक यानी एर्गोजेनिक एड्स मांसपेशी भार तथा एरोबिक क्षमता को बढ़ाते हैं, बात सही है, यानी कि दोनों चीजें सही हैं। यहाँ पे भी आपका ख राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे आपको मिलान करना है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है यहाँ पे सूची 1 का 2 से मिलान करना है। फिजियोलॉजिस्ट तत्वज्ञान फिजियोलॉजिस्ट है उसके प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप जानते हैं मैंने आपको जो दर्शन शास्त्र की सभी चीजें हैं उसके बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो यहाँ पे आदर्शवाद आइडियोलॉजी के प्रतिपादक कौन है? तो है प्लेटो। तो एक का हो जाएगा 5 एंड यथार्थवाद रियलिज्म के प्रतिपादक हैं अरस्तु। तो बी का हो जाएगा 4। प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म के आप सबको पता है रूसो हैं, सी का हो जाएगा 2। वास्तविकतावाद प्राग्मेटिज्म जिसे व्यवहारवाद प्रयोगवाद भी कहते हैं इसके प्रतिपादक हैं जॉन डीवी जिसका हो जाएगा 1। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे भी आपको मिलान करना है, खेलों से संबंधित है। तो ये है लक्ष्य साधन संधान का केंद्र। तो लक्ष्य संधान का केंद्र जो है किसमें लक्ष्य संधान करते हैं? शूटिंग में या तो आर्चरी में यानी धनु में, धनुर्विद्या में। तो यहाँ पे राइट आंसर ए का हो जाएगा, राइट 4। ए का राइट क्या हो जाएगा? 4। एंड ड्यूस जो है वो किसमें उपयोग होता है? ड्यूस शब्द का प्रयोग टेनिस में। तो बी का 1 हो जाएगा। और जंप बॉल हमेशा होता है, जंप बॉल से शुरू होता है बास्केट बॉल। तो सी का 5 हो जाएगा। अपर कट लोअर कट जो है डी जो है वो बॉक्सिंग में प्रयोग होता है, तो डी का 2 हो जाएगा। इस प्रकार आंसर नंबर ग यहाँ पे भी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि बटरफ्लाई किससे संबंधित है? यहाँ पे भी आपको मिलान करना है, क्वेश्चन नंबर 21। तो बटरफ्लाई फ्री स्टाइल ब्रेस्ट स्ट्रोक ब्रेस्ट बैक स्ट्रोक ये सभी तैराकी से रिलेटेड है। तो बटरफ्लाई जो है आपकी तैराकी से है। तो ए का 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड डबल फॉल्ट जो है वो टेनिस से रिलेटेड होता है, तो आपका हो जाएगा डबल फॉल्ट बी का 5 हो जाएगा। ब्लॉकिंग जो है हम वॉलीबॉल में करते हैं, सी का 4 हो जाएगा।
पीवट शब्द जो है बास्केटबॉल से रिलेटेड है तो डी का 3 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है, फिर से आपको मिलान करना है दोस्तों, क्वेश्चन एक नंबर के हैं, एकदम अच्छे लेवल के हैं। क्वेश्चन है, खेलों में प्रदर्शन बढ़ाने के लिए पेशी प्रभावी सहायक यानी एर्गोजेनिक एड्स का वर्गीकरण किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो एर्गोजेनिक एड्स होता है वो 5 प्रकार के हैं, न्यूट्रिशनल एड यानी पोषण साध्य, फिजियोलॉजिकल एड्स यानी शरीर क्रियात्मक साध्य, साइकोलॉजिकल एड्स यानी मनोवैज्ञानिक साध्य, मैकेनिकल एड्स यानी यांत्रिक साध्य, फार्माकोलॉजिकल एड्स यानी कि औषधि साध्य। पोषण साध्य यानी न्यूट्रिशनल एड्स में कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, विटामिन, खनिज लवण, सोडियम बाइकार्बोनेट, डायट्री सप्लीमेंट, स्पोर्ट्स ड्रिंक, कैफीन आदि आता है। जबकि फिजियोलॉजिकल यानी क्रियात्मक शरीर क्रियात्मक एड्स में ऊंचाई पर प्रशिक्षण, ब्लड डोपिंग, हर्बल दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, खेल मॉलिस, सोना बाथ, वार्म बाथ, एक्यूपंचर, ईपीओ, कंडीशनिंग, अल्ट्रावायलेट रेंज आदि आती है। साइकोलॉजिकल एड्स में मनोवैज्ञानिक साधन में एड्स में प्रदर्शन बढ़ाने वाली प्रतिभागी को चीयर्स करना होता है, जैसे हिप्नोसिस, सम्मोहन करना, खिलाड़ी को सम्मोहन करना, सलाह देना, रिहर्सल, चीयरिंग, इमेग्री, मेडिटेशन, संगीत, रिलैक्सेशन। चौथा होता है मैकेनिकल एड्स यानी यांत्रिकी साधन, जैसे स्पोर्ट्स शूज, ड्रेस, स्विमिंग पूल, वाटर प्रशिक्षण, रनिंग सूट, पैरासूट, हाई एल्टीट्यूड प्रशिक्षण, एक्वा प्रशिक्षण पानी के अंदर जिसे कहा जाता है, ट्रेडमिल, हाइपोक्सिक ट्रेनिंग यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम करके प्रशिक्षण कराना, डाउन हिल, अपर हिल ट्रेनिंग, खेल उपकरण आदि आते हैं। और औषधि साज यानी फार्माकोलॉजिकल एड्स में एम्फेटामाइन, एनाबोलिक स्टेरॉइड, बीटा ब्लॉकर्स, कैफीन, प्रोटीन सप्लीमेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट आदि आते हैं। तो यहाँ पे आपको छाटना है दोस्तों, वीडियो लंबा जरूर हो रहा है लेकिन मैं एक एक चीज़ को आपको समझाते हुए जा रही हूँ। फटाफट आंसर दे देने से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको अंदर तक उस चीज़ को गहराई तक समझाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैकेनिकल एड्स के अंतर्गत क्या आएगा दोस्तों, जो आपके उपकरण होते हैं, जितने भी साधन होते हैं, तो उपकरण आ जाएंगे, ठीक है, एक और 5 हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल एड्स में क्या आ जाएगा, सम्मोहन, तो बी का 3 हो जाएगा। औषधि यानी फार्माकोलॉजिकल में कैफीन आ जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। पौष्टिक यानी न्यूट्रिशन में आपका कार्बोहाइड्रेट लोडिंग आ जाएगा, यानी डी का 1 हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एस्कॉर्बिक अम्ल यानी एस्कॉर्बिक एसिड का सबसे बढ़िया स्रोत है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है और विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत यहाँ पे आंवला होता है। वैसे तो ये सभी चारों ऑप्शन में, चारों में विटामिन सी पाया जाता है, बट सबसे ज्यादा आपका आंवला में पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रशिक्षण में आराम की अवधि हितकारी रूप में उपयोग की जाती है। तो आपको पता ही है दोस्तों, रेस्ट एंड कैफर्ड, पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत कहा जाता है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड यानी कि अंतराल प्रशिक्षण को, ठीक है। अंतराल प्रशिक्षण की खोज 1920 में रेंडले व गर्जल और विकिला ने किया था, सहनशीलता व गति सहनशीलता को विकसित करने के लिए। इसको इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को टेरियस प्रशिक्षण भी कहा जाता है एंड रेस्ट एंड कैफर्ड या आराम एवं प्रयास विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दो अभ्यासों के मध्य जो रिकवरी होती है इनकम्प्लीट रखा जाता है, यानी इनकम्प्लीट रिकवरी बिटवीन टू रिपीटेशन दो अभ्यासों के मध्य जो रिकवरी होती है अधूरी रखी जाती है। कैसे दोस्तों, जैसे कि जब कुछ समय तक क्रियाकलाप किया जाता है, इसमें हार्ट रेट जो है अभ्यास के समय 180 प्रति मिनट हो जाता है, तो कुछ समय के लिए क्रियाकलाप किया जाता है, फिर कुछ समय तक आराम करके पुनः क्रियाकलाप आरंभ किया जाता है। जैसे कि हृदय गति अभ्यास के समय 180 प्रति मिनट पहुंच जाती है और 180 प्रति मिनट पहुंचते ही अधूरी क्षतिपूर्ति के आधार पर जब हृदय गति 120-130 प्रति मिनट पहुँचती है, पहुँचते ही अभ्यास को पुनः शुरू किया जाता है।
और ये जो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है दो प्रकार के होते हैं, इंटेंसिव इंटरवल मेथड यानी गहन अंतराल विधि और दूसरा एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड। इंटेंसिव इंटरवल मेथड यानी बहुत तीव्रता के साथ किया जाता है, यानी 80 से 90% तीव्रता होती है, पल्स रेट जो है 175 से 180 बीट प्रति मिनट हो जाता है। इसको क्वालिटी ट्रेनिंग मेथड भी कहा जाता है इंटेंसिव में, जिसमें क्वालिटी पर ध्यान दिया जाता है क्वांटिटी पे नहीं। और दूसरा एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड होता है जिसमें तीव्रता जो है 60 से 80 या 30 से 40% होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, डॉक्टर केनेथ कूपर किस परीक्षण के प्रतिष्ठादाता यानी एक्सपोनेंट हैं? तो दोस्तों डॉक्टर केनेथ कूपर जो हैं वो कार्डियो रिस्पिरेटरी इंड्योरेंस को मापने के लिए उन्होंने 12 मिनट दौड़ का परीक्षण खोजा था, यानी 12 मिनट रन वॉक टेस्ट उन्होंने किया 1970 में कार्डियो रिस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मापने के लिए। उसके बाद उन्होंने 1982 में 12 मिनट स्विमिंग साइकिलिंग एंड जॉगिंग परीक्षण बनाया। नेक्स्ट है, शरीर में वसा का प्रतिशत मापने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला कौन सा यंत्र है? तो दोस्तों आपको पता है यह है स्क्रीन फोल्ड कैलिपर, एंड क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था बीपीएससी तैयारी 3 में, वसा मापने के लिए स्क्रीन फोल्ड कैलिपर भी प्रयोग किया जाता है। और शरीर की वसा को ज्ञात करने के लिए बॉडी वेट के हिसाब से बीएमआई भी, बॉडी मास इंडेक्स भी होता है। एक होता है जल में आपको मापा जाता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, क्योंकि मैं एक अलग से वीडियो जो भी वसा मापन होता है बना दूंगी, जिससे आपको कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएगा। यहाँ पे गोनियोमीटर शरीर के कोण यानी फ्लेक्सिबिलिटी को मापता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी निम्न में से किसके द्वारा स्थापित की जाती है? तो दोस्तों आपको पता ही है, मैंने आपको क्राइटेरिया फॉर गुड टेस्ट के लिए बताया हुआ है कि 3 चीज़ें होती हैं, साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी यानी वैज्ञानिक प्रमाणिकता, दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिबिलिटी यानी प्रशासनिक व्यवहारिकता, तीसरा होता है शैक्षणिक प्रयोग यानी एजुकेशनल अप्लीकेशन। जिसमें से जो वैज्ञानिक प्रमाणिकता होता है, साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी होता है, उसमें रिलायबिलिटी वैलिडिटी ऑब्जेक्टिविटी नॉर्म्स स्टैंडर्ड आते हैं। जिसमें से रिलायबिलिटी क्या होता है कि बार बार प्रशिक्षण लेने पर एक ही जैसे स्कोर प्राप्त हो, तो इसे रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता कहते हैं। रिलायबिलिटी को कॉन्सिस्टेंसी, डिपेंडेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस या रिपेटेबिलिटी भी कहा जाता है। और यह जो रिलायबिलिटी होता है, इसके जांच करने की 5 विधियाँ होती हैं, जैसे टेस्ट रिटेस्ट मेथड, फेलर फॉर्म मेथड, इंटरनल कॉन्सिस्टेंसी मेथड, स्प्लिट हॉफ मेथड, कुडर रिचर्सन मेथड। तो यहाँ पे क्या बोला है कि रिलायबिलिटी निम्न में से किसके द्वारा स्थापित की जा सकती है? यहाँ पे स्प्लिट हॉफ मेथड राइट होगा, पैरल फॉर्म विधि भी है, टेस्ट रिटेस्ट मेथड भी है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, JCR परीक्षण में किसका समावेश होता है? J से जम, C से चिन अप, R से रन, यानी कि सर्जेंट जम, चिन अप, चिनिंग एंड शटल रन इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा माप माध्यिका यानी मीडियन के आसपास बिखरेपन को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा चतुर्थांश विचलन यानी कि क्वार्टियल डिविएशन को दर्शाता है। नेक्स्ट है, दो माध्यियों यानी मीन्स की तुलना के लिए प्रयोग की जाने वाली सार्थक मापन टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस विधि कौन सी होती है? वह होती है टी परीक्षण। नेक्स्ट है, केवल एक प्रायोगिक समूह एक्सपेरिमेंटल फैक्टर में अनेक समूहों के माध्य के बीच सार्थकता यानी सिग्निफिकेंस किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो दोस्तों यह निर्धारित किया जाता है एक दिशा एनोवा के द्वारा। नेक्स्ट है, विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? दोस्तों तो सबसे पहले विचलनशीलता भी है, वेरिएबिलिटी भी है, नमूने का आकार भी है, नमूने का प्रतिनिधित्व भी है। तो यहाँ पे उपरोक्त भी आपका
राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, शोध निम्नलिखित पर आधारित होता है, आधारित नहीं है, है नहीं है पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ा आपका मिस पॉइंट होता है एक सिलेक्शन न हो पाने का। यहाँ पे नहीं है और है शब्द पर आप ध्यान जरूर आपको देना है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। तो शोध निम्नलिखित पर आधारित नहीं है, तो दोस्तों निरीक्षण पर, परिकल्पना पर, तथ्य पर आधारित होता है, बट धारणाएं पर, अंधविश्वासों पर ये शोध कोई कभी आधारित नहीं होता है। नेक्स्ट है, कारण तथा प्रभाव में संबंध निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रायोगिक विधि, जहाँ पे कारण, प्रभाव, तर्क, इस सब चीजों की बात किया जाता है, वहां प्रायोगिक विधि प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण किसने निर्मित किया। तो दोस्तों हार्वर्ड स्टेप परीक्षण को निर्मित किया था लुसिन ब्रोहा ने 1943 में, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए? कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेजर करने के लिए 1943 में लुसिन ब्रोहा ने बनाया था। नेक्स्ट है, जोड़ों के गति क्षेत्र, रेंज ऑफ मोशन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला यंत्र क्या है? तो वह है गोनियोमीटर। यहाँ पे डायनेमोमीटर स्ट्रेंथ यानी शक्ति को मापता है। नेक्स्ट है, निम्न में से 80-90% तीव्रता यानी जो इंटेंसिटी होती है किस प्रशिक्षण विधि में होती है? तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड यानी ज्यादा समय है, वॉल्यूम ज्यादा है, तीव्रता कम होगी, यहाँ पे 40-50 ही होगी। रिपीटेशन मेथड में 90-100% इंटेंसिटी होती है, जबकि सघन अंतराल यानी गहन अंतराल में, इंटेंसिव इंटरवल मेथड में 80-90% तीव्रता होती है, जो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का भाग है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है, आप घोड़े को पानी की ओर ले जा सकते हैं परंतु आप उसे पिला नहीं सकते, तो आपको क्या यहाँ पे लग रहा है? यानी जब तक घोड़े का मन नहीं रहेगा आप कितना भी खींचते रहेंगे उसको पिला नहीं सकते। यानी कि यहाँ पे सीखने के सिद्धांत थांडाई में 3 दिए थे, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। तो उनके लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता, तैयारी का नियम यह कहता है, जिसे माइंडसेट का नियम भी कहते हैं, कि आप मानसिक रूप से तैयार हैं या नहीं, क्या आपकी रुचि उस कार्य में है या नहीं। तो तैयारी के नियम में फिजिकल एजुकेशन में बात करेंगे, जैसे हम कोई कार्य करने से पहले या खेल खेलने से पहले अपने आप को तैयार करते हैं, यानी मसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, उसको गर्माते हैं, जैसे वार्मिंग अप करना, ये लॉ ऑफ रेडीनेस के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ भी कहने का मतलब है कि आप तैयार हैं, आपका मन है, आप पूरे तरीके से रेडी हैं। जैसे घोड़ा का जब तक मन नहीं रहेगा पानी पीने के लिए, तब तक हम कितना भी उसको फोर्स करेंगे वो नहीं पी सकता। यानी कि यहाँ पे लॉ ऑफ रेडीनेस का नियम, तत्परता का नियम आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, आदतों को वहन करना तथा एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सीखना क्या कहलाता है। दोस्तों जो कार्य हम सीखे हैं, पहले से कुछ सीखे हैं, उस सीख का, उस ज्ञान का प्रयोग हम दूसरे कार्य को सीखने में लगाते हैं, तो उसको सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है, बाएं हाथ की हड्डी की ऑसिफिकेशन की तर्कनाक का उपयोग किसको निश्चय करने के लिए किया जाता है। यहाँ बाएं हाथ नहीं रहेगा, दाएं हाथ रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक किया है पूछने में, तो दाहिने हाथ की जो रेडियल बोन होती है उसका प्रयोग हड्डी की आयु यानी शरीर की आयु ज्ञात करने के लिए की जाती है, जिसे एक्सरे एज के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आयु ज्ञात करने के लिए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, इम्पल्स को ले जाने में एक्सॉन की क्या भूमिका होती है। तो दोस्तों जैसे कि हमारा न्यूरॉन जो होता है उसे 3 भाग होते हैं, न्यूरॉन के जो है 3 भाग होते हैं, ए सेल बॉडी, ए डेंड्रॉन्स, ठीक है, ये होता है आपका एक्सॉन, एक्सॉन निकलता है। तो दोस्तों जो सेल बॉडी डेंड्रॉन्स होता है, ये सूचनाओं को, आवेगों को प्राप्त करता है, प्राप्त करके कहाँ ले जाता है, सेल बॉडी की ओर। फिर इस सेल बॉडी से सूचनाओं को एक्सॉन ले जाता है दूसरे न्यूरॉन्स या मांसपेशियों या मस्तिष्क की ओर या नसों से दूर ले जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका,
नसों से दूर, ठीक है। तो 41 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो हमारा एक्सॉन होता है या न्यूरॉन से दूसरे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेशों या सिग्नल से आवेश का प्रसारण करता है, करके पेशीय तंतु के गुच्छे के रूप में अंगों को अथवा वापस तंत्रिका तंत्र को भेजता है। तो यहाँ मस्तिष्क की ओर भी या नसों के से दूर दोनों आपका राइट आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या मानेगा ये निर्भर करता है। तो यहाँ पे आप सोच के बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये तो मतलब कि सेल बॉडी से दूर ही ले जाता है दूसरे न्यूरॉन्स की ओर, तो यहाँ पे नसों से दूर ही ज्यादा ऑथेंटिक होगा आंसर। नेक्स्ट है, ग्लूटियस मैक्सिमस मांसपेशी कहाँ स्थित है। दोस्तों सबसे शरीर की सबसे लार्जेस्ट मसल कौन है, ग्लूटियस मैक्सिमस, जो हिप में यानी कुल्ले में स्थित होती है, और शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट मसल, सबसे लंबी मसल सार्टोरियस जाम की होती है। शरीर की सबसे स्ट्रांगर मसल्स जो हमारे निचले जबड़े की मसेटन मसल्स होती है। शरीर की सबसे शॉर्टेंड मसल छोटी मसल्स कान की स्टेपीडियस होती है। ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मांसपेशी सिकुड़न का स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों यह दिया गया था हॉक्सले के द्वारा 1954 में। दोस्तों इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो हमारा मसल्स होता है, मसल्स तंतुओं में दो फिलामेंट होते हैं एक्टिन और मायोसिन, जिसमें एक्टिन फिलामेंट के मायोसिन फिलामेंट पर खिसकने से मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। सरकवा शुद्ध स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत इन्होंने दिया है। नेक्स्ट है, खेलों के शिखर प्रदर्शन पर आधारित है। दोस्तों जो खेलों का प्रदर्शन होता है वो पहले आप कितना अच्छा प्रशिक्षण किए हैं, मेहनत किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, उस पर निर्भर करता है। यहाँ पे प्रशिक्षण आपका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रेनिंग। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्रम से आधारभूत कौशल फंडामेंटल स्किल सीखने पर खेलों में विजय प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों खेलों में विजय प्राप्त करने के लिए और किसी भी चीज में विजय प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए, आपको तकनीक यानी टेक्निक आना चाहिए और स्किल में निपुणता होना चाहिए, एंड व्यू रचना यानी स्ट्रेटजी तुरंत आपके योजना बनाना आना चाहिए, एंड टैक्टिक्स यानी युक्ति खेल खेलते ही एक सेकेंड के अंतर तुरंत आपको अलग अलग आइडियाज आना चाहिए। ये सभी चीजें आपको खेल में विजय प्राप्त करा सकती हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कुछ गद्यांश दिए गए हैं, नीचे दिए गए परिच्छेद को पढ़िए और परिच्छेद के नीचे पूछे गए सवालों के आंसर देना है आपका 46 से 50 तक। दोस्तों वीडियो लंबा जरूर हो रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और आपको धैर्य बना के वीडियो अवश्य देखना चाहिए। अगर धैर्य नहीं बनाएंगे, बीच में छोड़ के भाग जाएंगे कि बहुत बोरिंग लग रहा है, तो ऐसे में आपका सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे आप। अपने की थोड़ा सा सहनशीलता यानी कि जो आपको फिजिकल फिटनेस के जो घटक हैं, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, इस सबको अपने अंदर लाइए, तभी आप एक सीट को प्राप्त कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पढ़ना है तो या तो आप पढ़ लीजिए या तो मैं पढ़ के सुना ही दे रही हूँ, थोड़ा सा धैर्य रख के आप सुन लीजिए। यहाँ पे है, आप जानते हैं वही चीज़ें यहाँ पे दिया गया है कि भारतीयों के लिए सबसे सफल ओलंपिक जो है बीजिंग ओलंपिक 2008 है। 2008 में प्रथम बार अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर राइफल की निशानेबाजी की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, ये सब आप जानते ही हैं। एंड भारतीय मीडिया ने उन्हें आज का अर्जुन शीर्षक दिया। किन्हें दिया? अभिनव बिंद्रा को। किसने दिया? भारतीय मीडिया ने। एंड विजेंद्र कुमार तथा सुशील कुमार दोनों ने क्रमशः मुक्केबाजी और कुश्ती में कांस्य पदक जीता, यानी 2008 बीजिंग में ही विजेंद्र कुमार मुक्केबाजी में कांस्य पदक एंड सुशील कुमार कुश्ती में कांस्य पदक जीते। एंड जो एथेंस ओलंपिक 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राइफल शूटिंग में रजत पदक जीता था, ये भी आपको मालूम है। एंड सिडनी ओलंपिक खेल 2000 ऑस्ट्रेलिया में पहली बार भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था। एंड दोस्तों
1996 के अटलांटा ओलंपिक खेलों में अकेले भारतीय टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने कांस्य पदक जीता। एंड लॉस एंजल्स 1984 के ओलंपिक खेलों में पायोली एक्सप्रेस पीटी उषा 400 मीटर बाधा दौड़ में सेकेंड के 100वें हिस्से में कांस्य पदक से चूक गई, जब उन्होंने फोटो फिनिश में चौथा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, इसको भी याद रखिए। एंड 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक कनाडा में भारतीय बीच की दूरी के धावक श्रीराम सिंह ने 800 मीटर दौड़ में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। कब किया? 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, श्रीराम सिंह ने कब चौथा स्थान अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया था 800 मीटर दौड़ में, तो 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में, जब उन्होंने अपनी उत्कृष्ट कोशिश करते हुए फाइनल में प्रवेश किया था, केवल फाइनल में प्रवेश किया था, याद रखिए। एंड टोक्यो ओलंपिक 1964 में गुरुवचन सिंह रंधावा ने 10 मीटर बाधा दौड़ में पांचवां स्थान प्राप्त किया था। कब? 1964 में गुरुवचन सिंह रंधावा ने 110 मीटर बाधा दौड़ में पांचवां स्थान प्राप्त किया था। एंड दोस्तों 1960 के रोम ओलंपिक में उड़न सिख यानी फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया। एंड दोस्तों हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में केरी जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, सबसे पहला पदक इन्होंने ही जीता था, व्यक्तिगत पदक। एंड 1948 के लंदन ओलंपिक खेलों में हेनरी रिबेलो अपनी प्रिय स्पर्धा ट्रिपल जंप में चोट के कारण पक्के कदम से वंचित रह गए। एंड दोस्तों भारत का नाम पदक तालिका में 1900 के पेरिस ओलंपिक में ही आ गया था, जब कलकत्ता में बसने वाले एंग्लो भारतीय एथलीट नॉर्मन जी प्रिचर्ड ने 200 मीटर तेज दौड़ में रजत पदक तथा 200 मीटर बाधा दौड़ में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा भी जाता है कि भारत ने ओलंपिक में सबसे पहले कब भाग लिया, तो 1900 पेरिस फ्रांस में भाग लिया, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों के इतिहास में संसार के प्रतियोगी देशों में भारत एकमात्र देश है जिसने हॉकी में 1928 से लेकर 80 तक स्वर्ण पदक जीता, जिसमें से केवल 1960 में रजत पदक और 1968 और 72 में कांस्य पदक जीता और 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी कांस्य पदक जीता। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, यहाँ तक आप धैर्य बना के रुके होंगे, भागे नहीं होंगे दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है कि नॉर्मन प्रिचर्ड ने किस वर्ष व किन स्पर्धाओं में ओलंपिक पदक जीता था? तो आपको पता ही है 200 मीटर स्प्रिंट एंड 200 मीटर बाधा दौड़ में पेरिस फ्रांस 1900 ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटी उषा किस ओलंपिक में किस स्पर्धा में कितने सेकेंड से पदक से चूक गई थी? तो पीटी उषा जो है 400 मीटर बाधा दौड़ लॉस एंजल्स 1984 ओलंपिक में 0.01 सेकेंड से पदक से चूक गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय हॉकी दल ने निम्नलिखित ओलंपिक पदक जीते? तो दोस्तों ये पुराना रिकॉर्ड है, 2020 टोक्यो ओलंपिक में इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो जैसे कि अभी तक में 8 स्वर्ण पदक जीता हुआ है भारतीय हॉकी ने ओलंपिक में, एंड 1 रजत जीता है और 3 कांस्य यहाँ पे रहेगा। क्या? यहाँ पे 3 कांस्य रहेगा। ठीक है, 3 कांस्य यानी कुल 12 पदक जीता हुआ है, 8 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य। 3 कांस्य कब कब जीता है? 1 कांस्य आपका 1968, दूसरा 1972 और तीसरा 1920 टोक्यो ओलंपिक में। तो इस प्रकार 8 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य पदक भारतीय हॉकी दल ने जीता हुआ है, कुल 12 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष के अनुसार क्रम में भारतीय खिलाड़ी जो नजदीकी रूप से ओलंपिक पदक से चूक गए थे वो कौन कौन है इसमें? तो
तो हेनरी रिबोलो है, मिल्खा सिंह है, पीटी ऊषा है, ये सभी थोड़े थोड़े पॉइंट के चलते छठे थे। नेक्स्ट है, क्रम के अनुसार भारतीय खिलाड़ी जिन्हें ओलंपिक खेलों में स्वर्ण तथा रजत पदक मिले थे, तो दोस्तों क्रम के अनुसार में आपके चलेंगे तो नामन प्रचार पहले स्थान पर आएंगे जिनको रजत पदक मिला था, ठीक है, उसके बाद आर राठौर, फिर अभिनव बिंद्रा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे एक ही चीज दो तीन बार दे दिया है, नॉर्मल पिज्जा, आर राठौर, अभिनव बिंद्रा, एक ख ग, यानी ऑप्शन नंबर ग आपका राइट होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 MCQ। आई होप कि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आज के 500 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के थे दोस्तों। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए जिससे और लोगों तक वीडियो पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।